ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। हेलो, यस डॉक्टर शर्मा स्पीकिंग। आप सुबह की फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ जर्नी। थैंक यू, मगर आप कौन बोल रहे हैं? आपका हमदर्द मोतीलाल। हेलो मिस्टर मोतीलाल, आपका आदमी ब्रीफकेस लेकर आया था, मैंने उसे वापस भेज दिया। क्यों, क्या नाराजगी हो गई? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल थोड़े से लालच ने मुझे गलत काम करने के लिए मजबूर कर दिया था, मगर अब मेरे दोस्त अब्बास ने मेरे सोए हुए जमीर को जगा दिया। अब्बास वो क्लासिकल सिंगर? जी हाँ वही क्लासिकल सिंगर। मेरे दोस्त ने मुझसे कसम ली है कि मैं आइंदा इस किस्म के किसी काम में अगर किसी की मदद करूंगा तो मुझसे दोस्ती खत्म कर देगा। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर मोतीलाल। तुझे भी देख लूंगा, तेरे दोस्त अब्बास को भी। इनकी कहाँ चली गई है? डॉक्टर के पास नहीं गया तो मेरी जान खा जाएगा, से अमेरिका भी जाना है। क्या मुसीबत है पिंकी? पहचान लिया ना भाईजान? कहाँ चले गए थे, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपसे कह के गई थी कि अगर आपको डॉक्टर अंकल के पास जाना हो तो आप चले जाइएगा। ऐसे कैसे चला जाता, तुझे देखे बगैर जा सकता हूँ? मैं भी मेरा मन तुझी में लगा लेता। भाईजान आपसे एक बात पूछनी है। बोल। मुझे मोतीलाल की कसीनो में नौकरी मिल रही है, मैं कर लूं? हरगिज नहीं, अब्बास खान की बहन किसी कैसीनो में नहीं गाएगी, ये उसके जर्फ को गाली है। जहां तक रहा उसके कर्जे का सवाल, मैं उसकी पाई पाई चुका दूंगा। पगली मैं तो चाहता हूं तेरी शादी हो जाए, तेरा घर बस जाए। और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भाईजान। और अगर वक्त ने वफा न की और मैं तुझे छोड़ के चला गया तो? ऐसी बात कभी मत कहिएगा भाईजान। अच्छा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। खुश जाइए आप, डॉक्टर अंकल वेट कर रहे हैं। चलो खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। डॉक्टर साहब मुझ ना चीज को मोतीलाल कहते हैं। मोतीलाल? हाँ, अंदर आने को नहीं कहोगे? लेकिन मैंने तो तुम्हारा ब्रीफकेस वापस भेज दिया था। तो तुमने फैसला कर लिया है कि मेरा काम नहीं करोगे? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। बड़े बेवकूफ हो, एक गवैये के कहने से अपने लाखों रुपए गंवाने को तैयार हो गए? वो गवैया ही नहीं, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। ओहो, तब तो वो तुम्हारे सारे राज जानता होगा। ये भी जानता होगा कि अमेरिका में तुम्हारा कौन दोस्त है और तुम किसके साथ लेन देन करते हो? जानता है, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर शर्मा, क्योंकि मैं भी उसका नाम और पता जानना चाहता हूँ। वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बताना तो पड़ेगा डॉक्टर शर्मा। मैं हरगिज नहीं बताऊंगा। बताना तो तुम्हें पड़ेगा डॉक्टर शर्मा। बोलो। बताते हो या नहीं? डॉक्टर साहब, खून? मोतीलाल ये तुमने क्या किया? मैं अभी पुलिस को खबरदार किया। खबरदार, तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे, बल्कि मुझे ये बताओगे कि डॉक्टर शर्मा का अमेरिका में दोस्त कौन है और उसका नाम और पता क्या है। भाभी Thank you.
चैन मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान, भगवान मेरे साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। रो नहीं बेटी, हिम्मत से काम लो। रोने से मरने वाली की रूह को तकलीफ पहुंचती है। वैसे तुम चाहो तो मुझे भी अब्बास भाई समझ सकती हो। मीठा होता है। तो दोस्तों, आज का रिजल्ट सुनाने से पहले मैं आप सब लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। तो सुनिए, आज के इस रिजल्ट में इंटर साइंस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाली लड़की हमारे शहर काशीपुर की है। और सुनिए, उस खुशकिस्मत लड़की का नाम है मिस आशा श्रीवास्तव। अरे मेरा रिजल्ट तो दिखा। अरे भैया, पहले मैं अपना रिजल्ट तो देख लूं। मेरा नंबर है 707। 707 यानी सुपर एजेंट 707, सुपर हिट। अरे भैया, वो तो गोल्डन टॉकीज में चल रही है। अरे रिजल्ट तो वो लेकर चला तत के सजे सपने अब सच होंगे पल में। सागर की तरह मेरे अब उठी उमंगे दिल में। मुद्दत के सजे सपने जो सोए
सच होंगे पल में सागर की तरह मेरे अब उठी उमंगे दिल में ला 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 ओ आशा कहाँ है तू? भैया अरे इसका मतलब है मैं पास हो गई हूँ। तुझे कैसे पता तू पास हुई या नहीं? आपकी खुशी देखकर। अरे पगली तू पास ही नहीं हुई तू फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुई है। भैया क्या आशा फर्स्ट क्लास पास हो गई? हाँ माँ मैं पास हो गई हूँ। माँ आज तुम्हें सारी बस्ती को मिठाई खिलाऊंगा। मेरी बहन ने मेरा सर ऊंचा किया। ए तू तैयार हो जा, मैं तेरा एडमिशन बंबई के टॉप मेडिकल कॉलेज में कराऊंगा। आशा को जितना पढ़ना था पढ़ चुकी, अब पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रही हूँ माँ? मैं तो बरसों से सपने देख रहा हूँ कि अपनी बहन को डॉक्टर बनाऊंगा। प्रकाश तूने सिर्फ सपने देखे हैं, मैंने दुनिया देखी है। मैं अपनी जवान जहान लड़की को इतने बड़े शहर में नहीं भेज सकती। पता नहीं वहां कैसे कैसे लोग होंगे, कैसा माहौल होगा। न कोई नजर रखने वाला न कोई खबर करने वाला। माँ बंबई में मेरा दोस्त त्रिलोकी है और फिर मैं भी तो आता जाता रहूंगा। आखिर वकील बैरिस्टर डॉक्टर शहर में ही तो बनते हैं, काशीपुर में नहीं। काशीपुर में तो हम जैसे मैकेनिक भी पनप नहीं पाते। प्रकाश मुझसे बहस मत कर, न ये शहर जाएगी न डॉक्टर बनेगी। अगर कुछ करना ही है तो इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर ला और शादी कर दे। जरा छह नंबर का पाना ला। अभी लाया करो। ये लो। क्यों बे? आज सुबह सुबह लगा ली। अबे नौटांक, मैंने छह नंबर का पाना मांगा था, नौ नंबर का नहीं। सुबह से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है गुरु। नौ नंबर का नजर आया लेकिन पाना निकला छह नंबर का। 24 घंटे धुनकी में रहता है ये प्लग तो बिल्कुल बेकार हो गया। अंदर जाके सेठ जी से नया प्लग लिया। क्या हो गया प्रकाश? साहब ये प्लग नया लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जाओ कीमती जाओ, अंदर से नया प्लग ले आओ। अभी ना जाओ। प्रकाश क्या बात है, आज तुम उदास नजर आ रहे हो। अरे हाँ, आशा के फर्स्ट आने की मिठाई तो तुमने खिला दी, लेकिन ये नहीं बताया कि डॉक्टरी पढ़ाने के लिए उसे बंबई का भेज रहे हो। आशा अब और आगे नहीं पढ़ेगी सर। क्यों, क्या बात है? जो सपना तुम बरसों से देख रहे थे वो एक दिन में कैसे टूट गया? आप तो जानते ही हैं कि माँ पुराने ख्याल की हैं। वो हरगिज नहीं चाहती कि आशा काशीपुर छोड़ के जाए, और खास करके बंबई जैसे शहर में। माँ तो आशा की शादी करना चाहती हैं। नहीं, आशा डॉक्टरी जरूर पढ़ेगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सपना पूरा होगा। लेकिन माँ तो बहन जी से मैं बात करूंगा। बी हैप्पी माई बॉय, चलो काम करो। चलो सर। नमस्ते ललिता बहन। नमस्ते भाई साहब, आइए। आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता। क्यों, मैं नहीं आ सकता? आप ही का तो घर है, बैठिए। अरे मेरा घर तो खंडर था, जब से तुम रहने लग गई हो स्वर्ग बन गया। अच्छा ये बताइए आपके लिए चाय लाऊं या लस्सी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बैठो। बहन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहिए। प्रकाश आशा को डॉक्टर बनाना चाहता है, इसमें तुम्हें क्या एतराज है? इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी नजरों से दूर रहे, और फिर डॉक्टरी पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, सारी दुनिया के लड़के लड़कियां शहर पढ़ने जाते हैं, मेरी बेटी भी शहर में पढ़ती थी, आज वो वकालत कर रही है। लेकिन मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। तो बहन क्या बुढ़ापे में पढ़ाई होती है, यही तो उम्र है पढ़ने लिखने की। प्रकाश को तो एक ही धुन है कि उसकी बहन डॉक्टर बन जाए, इसीलिए उसने बड़ी मेहनत से ये 5,000 रुपए जमा किए हैं। क्या? हाँ, प्रकाश ने ये रकम मेरे पास जमा कराई है।
कि आशा इंटर साइंस पास कर लेगी तो उसे कॉलेज में पढ़ाएगा। लेकिन लेकिन इसमें हर्ज क्या है? लड़की डॉक्टर बन जाएगी तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत होगी, उसके स्वर्गवासी पिता की इज्जत होगी, इस तरह लोक सेवा भी कर सकेगी। हाँ बहन, प्रकाश भी यही चाहता है, वैसे तुम खुद समझदार हो। हाँ प्रकाश इतनी दूर तक की सोचता है, यह मैं नहीं जानती थी। मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ, नमस्ते। भैया माँ मान गई। मुझे मालूम है। माँ कहाँ है? अंदर है। माँ, माँ मैं जानता था तू मेरी बात नहीं डालेगी। भगवान तेरा सपना साकार करे बेटा। अब देखना, बहुत ही जल्द मेरी बहनियां लौटेगी डॉक्टर बनके। पहले एक छोटी सी डिस्पेंसरी होगी, फिर एक छोटा सा अस्पताल, और फिर एक बहुत बड़ा अस्पताल जिसकी इंचार्ज होगी डॉक्टर आशा श्रीवास्तव। भैया मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो हर बहन को तुम जैसा भाई दे। मैं कल ही जा रहा हूँ बंबई तेरे एडमिशन के लिए। आओ आओ महाराज, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। नमस्कार। नमस्कार। निकल ले भाई, तू भी निकल ले बटके बटके। समझौता गमोती कर लूं, समझौता गमोती। बहन जी रुकिए, बहुत जल्दी में है आप। सरकार ने हमें यहाँ आपकी टिकट चेक करने के लिए रखा है। टिकट दिखाइए। ओह माय गॉड, भाई साहब मेरा पर्स तो कंपार्टमेंट में ही रह गया, उसमें मेरी टिकट और पैसे दोनों ही हैं। अजी ये कहानी तो हम रात दिन सुनते रहते हैं, सीधी तरीके से टिकट निकालिए। अरे भाई तुकाराम चेक कर ले। करतो साहब, इस बैग में क्या है? ये किसी की अमानत है, मैं खुद नहीं जानती इसमें क्या है, लेकिन मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने टिकट खरीदा है। मुझे जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अजी आपका जाना जरूरी है और हमारा काम आपका टिकट देखना जरूरी है। अभी आप यहाँ तशरीफ रखिए देवी जी। भाई तुकाराम ध्यान दे ले, बैठिए लच्छे टोदो साहब। समझो आओ जी महाराज। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बॉर्डर फ्री? बिल्कुल फ्री। हां भाई आ जाओ। आप यहां क्यों बैठे हैं? इसलिए कि ये बिना टिकट है। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने टिकट खरीदा है, मेरा पर्स कंपार्टमेंट में रह गया, लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं है। अरे देवी जी अगर हमने आपकी बात सुन ली तो गवर्नमेंट हमारी छुट्टी कर देगी। ठीक है ठीक है, आप इनके फेयर की रिसीट बनाइए, पैसे मैं देता हूँ। 52 रुपए 60 पैसे दे दीजिए, छुट्टे 60 पैसे दे दीजिए। लीजिए। I'm so grateful to you. मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। आप मुझे अपना पता दे दीजिए, मैं रुपए भिजवा दूंगी। देखिए मैं तो इस शहर में आया हूँ, आप अपना पता दे दीजिए, I'll contact you. ये लीजिए। थैंक्स। मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके। नमस्ते जी। बाबूजी, लड़की तो आपका बाहर इंतजार कर रही होगी, लेकिन अब आप मुझे क्यों इंतजार करवा रहे हैं हुजूर? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब, लड़की की रसीद तो आपने कटवा दी, आपका टिकट कहाँ है? ओ। लगता है आपका टिकट भी कंपार्टमेंट में है। अभी तो था, पता नहीं कहाँ गिर गया। बाबूजी, आप शक्ल से शरीफ आदमी लगते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि समझौता गमों से कर लो। हा? पब्लिक में बोलने की बात नहीं, तू वहां को जाहिर अपनी ड्यूटी सवाल बीच में बात सुनता रहता मुंडी डाल के। हाँ यहाँ को आओ। और कोई रास्ता नहीं? रास्ता तो होता ही नहीं है जी। दुनिया मतलब का बाजार। दुनिया ये क्या है? टिकट। टिकट? टिकट मिल गई। इडियट। टिकट तो सही है, लेकिन सीधे आदमी ने समझौता गमों से नहीं किया, समझा? टैक्सी। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जल्दी।
ये तो वही लड़की है जो स्टेशन पर मिली थी। ड्राइवर उस गाड़ी का पीछा करो। अरे साहब काय को लफड़े में पड़ते हैं, ये काशीपुर नहीं बंबई है, यहाँ ये सब कुछ रोज ही होता है। पीछा करते हुए नहीं? नहीं साहब। तो फिर गाड़ी रोको। नहीं साहब। मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। अरे क्या कर रहे हैं साहब? अरे छोड़िए, अरे छोड़िए साहब, क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं साहब, मरवा दिया टोनी ने यहाँ। अरे साहब संभाल के, भाड़े की गाड़ी है। अरे साहब जरा संभाल के साहब। देखिए ये सब ठीक है ना? ये आपका मुझ पर दूसरा एहसान है। इसमें एहसान की क्या बात है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं मैं, आइए ना, कम ऑन प्लीज। ड्राइवर साहब चलिए। जी सर। सेठ जी आप यहाँ? हाँ पिंकी, तुम्हारी ट्रेन 2 बजे आने वाली थी, देर हो गई तो मैं परेशान हो गया और यहाँ चला आया। क्या हो गया था? ऐसी कौन सी चीज़ है आपके इस ब्रीफकेस में जो गुंडे इसके पीछे पड़ गए? वो तो भला उस नौजवान का जो उसने मेरी जान बचा ली, वरना इस ब्रीफकेस के साथ साथ आज मेरी भी जान चली जाती। अच्छा, लेकिन इस ब्रीफकेस में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सेठ जी, आपने मुझे जिस आदमी के पास भेजा था वो कुछ खतरनाक मालूम होता था। खतरनाक नहीं, वो पागल है। पागल? हाँ, दरअसल 20 साल पहले किसी ने उसकी बेटी का खून कर दिया था। तब से वो अपनी बेटी की रट लगाए रहता है। कहता है जब तक मेरी बेटी मुझे वापस नहीं मिल जाती तब तक वो मेरे पिताजी की वसीयत मुझे वापस नहीं करेगा। इसलिए मैंने तुम्हें उसकी बेटी बनाकर भेज दिया था। ओह, इसीलिए वो मुझे बेटी बेटी कह रहा था। लेकिन सेठ जी, मुझे बहुत डर लग रहा था उससे। इसीलिए तो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, वरना तुम जाती थोड़ी। हाँ? अच्छा एक गिलास पानी तो ला। अभी लाई। ये लीजिए। थैंक यू।
सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ, जिस नौजवान ने तुम्हारी जान बचाई थी तुम उसे जानती हो? जी नहीं, वो तो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। अच्छा थैंक यू, मैं चलता हूँ, बाय। आइए साहब, ये है टोनी का घर। मगर यहाँ तो ताला लगा हुआ है, इस वक्त तो होगा कहाँ? अरे टोनी तू इस वक्त? अरे इस वक्त क्या, जिस वक्त, अरे मेरी हीर इस गली से गुजरती है अपने आप उसमें ब्रेक लग जाता है, अपने आप उसका दरवाजा खुल जाता है, मेरे कदम नीचे उतरते हैं और मैं तुम तक पहुंच जाता हूँ। बस 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 बस, अब ब्रेक यही लगा दे। अरे ब्रेक तो फेल हो गया है, तेरा मेरा मेल हो गया है। बोल क्या पिएगा, मौसम्बी या नारंगी? अरे इन सड़ी हुई मुसम्बी और नारंगियों में क्या रखा हुआ है, बेवड़ा है ये तो। असली मुसम्बी नारंगी तो यहाँ पर है। अरे इन आँखों में क्या खुमार है, अरे इन लबों पे क्या निखार है, और इन जुल्फों की क्या बहार है, और इस चिट्ठी की क्या पुकार है। अरे इन थरथराते हाथों में मेरा गर्मा गर्म हाथ है, तेरा मेरा साथ है, अरे डरने की क्या बात है, सामने तेरा बाप है। कितना बोलता, मेरे पास है ऊपर नीचे सांस है, लेकिन लड़की मेरे साथ है। गई गई तो जाने दे, मगर मैं तो तेरे सामने हूँ। ये बता, ये बता, मेरे लड़की से क्या हो रहा था? सौदा हो रहा था, सौदा हो रहा था, दारू का, दारू का, दारू का सौदा हो रहा था, वो भी हाथ में हाथ मिलाकर। मैं तो दारू की गर्मी महसूस कर रहा था कि माल में कितना दम है। माल में दम बहुत है, जेब में दाम है। दाम तो इतने हैं कि पूरा दारू खाना खरीद सकता हूँ, लेकिन इस वक्त खाली नौ टाके। पूरी बोतल, पूरी बोतल। बताओ कौन सी बोतल चाहिए? वो जो ऊपर है, वो दोनों। वो दोनों, वो दोनों। कोई बात नहीं, दोनों है 40 रुपए। नी 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 नी। अच्छा बच्चू राम, फिर धोखा दे गए? कोई बात नहीं। अरे प्रकाश, तू आवारा गर्दी कहाँ कर रहा था? अरे भाई ये त्रिलोकी इश्क की त्रिवेणी में गोते मार रहा था। तू जरा इसको पकड़, मैं दरवाजा खोलता हूँ, सब बताता हूँ, चल तो जा। आजा, वेलकम होम। यार तू शराब कब से पीने लगा है? अरे भाई मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई जाती है। खैर छोड़ इन बातों को, ये तो बता कोई खबर नहीं, कोई तार नहीं या अचानक? तुझे मेरा तार नहीं मिला? ओ समझा, इस शहर में आदमी पहले आता है, तार बाद में आता है। छोड़ डाक तार को, आना कैसे हुआ? तुझे पता है अपनी छोटी बहन आशा, मैं उसे डॉक्टर बनाने बम्बई आया हूँ, कॉलेज में एडमिशन कराना उसका। अरे इतनी बड़ी हो गई अपनी आशा? इंटर साइंस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है। अरे तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट को दाखला मिलने में क्या दिक्कत है, हर जगह मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। ये बता कि तेरी शादी का चक्कर वक्कर चला कि नहीं? शादी की बात तू बीच में कहां से ले आया यार, तेरा तो नहीं चल रहा है। हां है, चला चला है। इत्तेफाक की बात है, हां आज जैसे ही बंबई स्टेशन पे उतरा, हां एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की से पाला पड़ा। गुड साइन, गजब की थी, गुड साइन। और आगे, हां उसकी जान बचाने का चांस भी मिला। वेरी वेरी गुड साइन। कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए। ढिशुम ढिशुम, वही धोबी बजाड़ वाला हाथ। ये जो यूं और यूं और यूं जो होता है ना, वो एक ही लड़की के लिए होता है। उस लड़की की आंखें नीली थी। नीली थी कि नहीं थी ना? पिंकी उसका नाम। तुझे कैसे पता? मालूम है, कैसीनो में वो गाती है और वो नाचती भी है। अरे मैं ऐसा तीर हूँ कि दो निशाने करवा दूंगा, दाखला भी करवा दूंगा और प्यार का मुकाबला भी करवा दूंगा। लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? ये सब बता दूंगा यार, तू दारू पीना, अभी दारू नहीं पीता है। चल यार, आशा के एडमिशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, मुबारक हो। अब जल्दी से आशा को बुला ले। तो नहीं, अगर तू नहीं होता तो इस शहर में मैं परेशान हो जाता। अरे अपने गियर बॉक्स में परेशानी नाम का कोई पुर्जा है ही नहीं। अब रहा तेरा वो जो है ना पिंकी का प्रॉब्लम। पिंकी का प्रॉब्लम? तू आ तो सही, तू आजा 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 मेरे राजा। टोनी तू? नमस्ते जी। आप? नमस्ते ज,
जनाब, मैंने कहता था पिंकी जी मुझे जानती भी है, पहचानती भी है। अरे बंबई की बस्ती में ऐसी कौन सी हस्ती है जो मुझे नहीं जानती। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना, चाय पीजिए। अरे ब्रेक मारिए, क्योंकि एक्सीडेंट बाहर ही हुआ है। एक्सीडेंट? मेरा मतलब ये है कि सरकार का बंबई में आते ही एक हसीना से टकराव हो गया था और ये उसे दिल दे बैठे थे। मेरी कमीज क्यों खींच रहा है यार? जी आप घबराइए मत, छोटा मोटा मेल मोहब्बत का एक्सीडेंट है। जैसे ही ये जवान पहली मर्तबा बंबई रेलवे स्टेशन पर आया कि एक गुंडा एक हसीना को देख कर गुर्राया। जैसे ही वो गुर्राया, इस जवान ने उस हसीना को बचाया और ये देखकर उस हसीना का दिल इस पर आया और इस जवान का दिल उस पर आया। पिंकी जी माफ करिएगा, इसे बचपन से ज्यादा बोलने की आदत है और अब जवान होने के बाद कम बोलने वालों को बोलना सिखा रहा हूँ। ओफो टोनी, तुम भी अजीब आदमी हो, अजीब अजीब किस्म की बातें करते हो। देख लिया ना पिंकी जी, आपका भी स्टार्टर चालू कर दिया ना। अरे तुम भी अपना स्विच ऑन करो ना। अरे मगर तुम्हारी हेड लाइट में इन आंखों की वो सन लाइट है, सन से कमला हसन याद आया। जी यहाँ एक दूजे के लिए सनम तेरी कसम, हाय हाय भरतनाट्यम क्या किया है कि आखा भारत को हिला कर रख दिया है और अपन का गाड़ी को भी चला कर रख दिया है। 24 कलाक अपन का ही कंप्यूटर डाउन रहता है, हर शूटिंग में अपना गाड़ी है, वाउचर है और साइन है, वाउचर है और साइन है, वाउचर है और साइन है। साइन से कोली वाड़ा याद आया और कोली वाड़ा से शक्कू भाई की आंखें याद आई, आंखें जैसे कि आपकी आंखें इनकी आंखों को देख रही हैं और इनकी आंखें आपकी आंखों को देख रही हैं। वो क्या है कि मुझे लाइब्रेरी जाना है। अरे इनको भी लाइब्रेरी जाना है, कमाल की बात है। आइए मैं आप दोनों को लिफ्ट दे देता हूँ, वहाँ पर मोहब्बत की नई नई किताबें आई हैं। आइए आइए। बताओ। अरे ये लड़की है कि सवालों की बौछार है, फिर सवाल पूछ, क्या बात है? तुम्हारे घर में खाना बनाने का एक भी बर्तन नहीं है। वहाँ भी पहुँच गई। तो फिर ये मछली क्यों लाए हो? मछली क्या है कि बचपन में मुझे मछली पकड़ने का बड़ा शौक था, तालाब पे गए और मछली पकड़ ली, मगर यहाँ पे बहुत बड़ा समंदर है, समंदर में कौन जाए। मार्केट में गए, मछली खरीदी और ले आए। झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि वो मछली पकड़ता था, ये छुटपन में सिर्फ गिल्ली डंडा खेलता था। अरे यार वो गिल्ली डंडा खेलने के जमाने गए, अब कुछ और खेलने के जमाने आ गए हैं। इस मछली में बहुत बड़ा राज बंद है यार। इस मछली में तो बहुत बड़ा राज बंद है, लेकिन टोनी में क्या राज बंद है? तू त्रिलोकी चंद तोताराम से टोनी कैसे बन गया? बताओ। बताऊं? जैसे जितेंद्र से जी तू बन गया, जैसे राजेश खन्ना से काका बन गया, ये सब पेट नेम है। मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो प्यार से मुझे पुकारती है टोनी। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अरे पकड़ लिया। पर भैया एक बात बताओ, हमारी होने वाली भाभी का नाम क्या है? शक्कू बाई। शक्कू बाई? वो नाचने वाली है क्या? अरे भाई वो वहाँ की बाई नहीं है, बंबई की बाई है जो मुझे पसंद आई है। अच्छा अच्छा, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? उसका नाम है शकुंतला बाई वानखेड़े स्टेडियम। यार अब इस लड़की को जरूर कॉलेज में भर्ती कराना पड़ेगा, आज अभी और इसी वक्त। कितनी गर्म है। तुम बहुत लकी हो आशा, तुमको प्रकाश जैसा भाई मिला और हमको तुम जैसी बेटियां। थैंक यू मैडम। आशा मैं जब भी चर्च में जाती हूँ गॉड से यही मांगती हूँ, ओ गॉड इन बच्चों को कभी कुछ दुख ना हो, ये जिंदगी में हमेशा खुश रहे, मेरी भी सारी खुशियां इनको दे दो। ओह मैडम,
आशा बैठो बैठो बेटी बैठो। हॉस्टल का डिसिप्लिन रखने के लिए माँ का दिल होते हुए भी मुझे कभी कभी बहुत सख्त होना पड़ता है। अच्छा तुम चिट्ठी लिखो। गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट आशा। गुड नाइट मैडम। पिंकी 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 अभी आई। पिंकी तुमने घर तो बड़ी खूबसूरती से सजाया। काहे का घर, गरीब की कुटिया है। अगर ये गरीब की कुटिया है तो फिर अमीर का महल क्या होगा। लो सेवैया खाओ। ये क्या? तुम्हें नहीं पता आज ईद है। मगर पिंकी तुम्हारा ईद से क्या संबंध? हमारा तो दशहरा होता है, दिवाली होती है। मेरे लिए तो दिवाली की रात उसी रात काली हो गई जब मेरा जन्म होते ही मेरे पिताजी चल बसे और जब मैं 7 साल की हुई तो मेरी माँ भी मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी माँ की लाश से लिपट के बिलक बिलक के रो रही थी। हम सब लोगों ने मिलकर इसकी अर्थी उठाने का इंतजाम तो कर ही लिया है, लेकिन सवाल इस बच्ची का है। कौन है? क्या बात है सर? बेचारी विधवा थी, पिछले बरस इसका आदमी चल बसा और इस बरस ये खुद, और दोनों एक ही बीमारी से मरे हैं। बीमारी है गरीबी, लाचारी और बेरोजगारी। हम सब मिलकर ये सोच रहे हैं कि अब इस बच्ची का क्या होगा। मैं बताता हूँ इस बच्ची का क्या होगा। पहले इसकी आंखें फोड़ी जाएंगी और फिर इसे कोली बनाया जाएगा। उसके बाद बंबई की लोकल ट्रेन में यह भीख मांगती नजर आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। इस मासूम ने जिंदगी की बाहर अभी देखी कहां है? नहीं बेटे नहीं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इस मासूम की परवरिश कर लूं। लेकिन लेकिन ये बच्ची तो हिंदू है और आप? तो क्या हुआ, इस मासूम की उसी मजहब में परवरिश होगी जिसमें इसने जन्म लिया था। चल बेटी रो मत, तू भी खुदा की मखलूक है, तुझको भी उतना ही हक है जितना हम सबको। चल बेटी। मन वीणा के स्वर जब गूंजे दर्द को राग बना दूर हो अंधियारा जीवन का ज्ञान की ज्योत जला मन वीणा के स्वर जब गूंजे कठिन है प्रीत निभाना पथरीली है प्रीत की राहें पथरीली है प्रीत की राहें संभल संभल के आओ मन वीणा के स्वर जब गूंजे बहती जाए बिना खेवैया आशाओं की टूटी नैया दुनिया दुख का भरा समंदर दुनिया दुख का भरा समंदर बेड़ा पार लगा
मन वीणा के स्वर जब गूंजे मन की वीणा रूठ गई है एक अभिलाषा टूट गई है डूब गया मन स्वर सागर में डूब गया मन स्वर सागर में लय को और उठाओ dil dil din tana tana na tere na dil 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 din tana tana na tere din tana din tana din tana na 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 din tana din tana din tana na 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 din tana din tana na din tana din tana na din tana na 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 tana na tere na dil dil din din tana tana na tere na dil dil din din tana gam ga ga da ma da ma ma ni da ni da da sa ni da ni da sa da sa da sa da sa da sa da sa sani dani dama gama gata thaga ma dani sa dani sa dani sa gasa वाकई अब्बास भाई इंसान नहीं फरिश्ता थे। मेरे लिए तो वो भगवान थे। अगर वो मुझे सहारा न देते तो शायद आज मैं भीख मांग रही होती। पिंकी, ऐसी अशुभ बातें जुबान पे नहीं लाते। इतनी बात तो लड़कियों के रोती हो। ईद के दिन रोगी तो तुम्हारे अब्बास भाई की रूह को तकलीफ होगी। अरे कौन है? हाँ डॉनी तो? हाँ जानी हम। आज अखा बंबई बंद है। बस बंद, रेल बंद, जेल बंद, दुकान बंद, मकान बंद, यहाँ तक अस्पताल बंद। मैं तो कहता हूँ कि ये दरवाजा भी बंद, और चालू अगर रहेगा तो हमारा तुम्हारा प्यार। ये क्या कर रहे हो? अरे खटका लगा रहा हूँ ताकि कोई खटका बाकी न रह जाए। अरे आजा मेरी पापलेट, आजा मेरी पापलेट, आजा यहाँ पर लेट और खा चॉकलेट। चॉकलेट? लेकिन कोई आ गया तो कैसे आ सकता है? आज रेल बंद है और हमारा तूफान मेल चालू है। तेरा बाप माटुंगा में अटका हुआ है। तेरी माँ अंधेरी के अंधेरों में भटक रही है। ये कुंडी कैसे खटक रही है? ये कुंडी नहीं कुंडा है। ए? मेरा बापू आ गया। बापू आ गया? हाँ। एक शकुन। हाँ। अरे वो तो मेरा कुंडा कर देगा। हाँ। ये बंद बैंक कैसे आ गया? ए शकुंतला, तुझे कहीं छुपा दे, छुपा दे, छुपा दे। हाँ। तू मेरी सहेली है। नहीं मैं तेरे बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन अब तू रामकली है। मैं रामकली हूँ? हाँ। वो, 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 हाँ, मैं रामकली हूँ। अनारकली हूँ, मैं वनचली हूँ। शकुंतला क्या चल रहा है? अरे पांड्या तो नहीं रे। अरे कसा संगा? ऐसा नहीं रे, ऐसा नहीं पांड्या। आजा आजा मेरे राजा, आजा शंकु। बहुत बुरी होती है ये। हाँ, इधर 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 बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आई बापू आई। आई आई तू
तू मिर्ची कूट। मिर्ची मैं बाबू को अभी सुना के आती हूँ। अच्छी आई आई बाबू आई अच्छी कैसी का कैसी तुझी आदत कैसी का कैसी तुझी आदत दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? अच्छी इसलिए नहीं खोल रही थी कि राम कली मिर्ची कूट रही है। राम कली अच्छी 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 बाबू बाबू ऐसे तो छीक छीक में छीक अच्छी आके देखी तू बाहर जाओ ना बाहर जाओ अच्छी देखो बेटा छीक आने से नाक साफ होती है और दिमाग ठंडा हो जाता है। उल्लू के पट्टे यहाँ दिमाग भारी हो रहा है और नाक जल रही है। ठीक ठीक के दे हालत बुरी हो रही है बेटा तू बाहर जा। मैं लेकिन राम कली तो मेरी सहेली है। मैं सवाल लूंगा तू बाहर जा ना। नहीं जा जा बोल माझ्या पाशी काशी काशी तुझी आदत काशी बोल माझ्या पाशी आची आची बोल माझ्या पाशी बोलता हो ना काशा का काशा करू नका तमाशा। अरे तमाशा तो तू कर रही है कुटना क्यों बंद कर दिया है कुटना कुटना। जब तू कुटती है ना और तेरा बदन हिलता है तो मेरा दिल धड़क 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 ऐसा होता है। राम कली मालूम है तुझे पहले बार देखा तो मेरे दिल की कली फूल बन गई। आज तुम मेरे हाथ में है हटा घूंघट दिखा जलवा देखने को तरस रहा हूँ। हटा मेरी प्यारी देखू तेरा जलवा कितना अच्छा है। सुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है। चीरता हूँ तुझे इस कोयते से और बना देता हूँ तुझे जंगली हरण। अबे जाबे गेंडे बस अब और नहीं भागा जाता। चलो चलकर कहीं बैठते हैं। ये लो। अरे देखो किस तरह एक दूसरे में खोए हैं। बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर। क्यों नहीं, प्यार भी सागर की तरह इतना विशाल और गहरा है कि इसमें डूबने वाले दो दिलों को सिर्फ अपनी शक्ल दिखाई देती है और आवाज सुनाई देती है। अच्छा ये बताओ तुम्हें ये जगह कैसी लगी? ब्यूटीफुल, और तुम्हारे साथ होने से और भी खूबसूरत लगती है। रियली? तो फिर हमेशा के लिए बॉम्बे क्यों नहीं रह जाते? मैं रहूंगा कहाँ? मेरे दिल में जगह है। सच पिंकी, तुमसे मिलने के बाद मैं यही सोच रहा हूँ कि आशा के डॉक्टर बन जाने के बाद हम सब यहीं चले आए। अब की बार आई तो मिला नहीं, अपनी बहन से डरते हो क्या? बिल्कुल नहीं, अगली बार जरूर मिलाऊंगा। अब कब आओगे? जब भी तुम याद करोगी। मैं तो हमेशा तुम्हें याद करती हूँ। सच? हाँ प्रकाश, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। पिंकी मैं एक बात कहूँ? मुझे तुम्हारे होटल में नाचना गाना बिल्कुल पसंद नहीं। प्रकाश तुम्हारे लिए तो मैं ये दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। मैं होटल छोड़ दूंगी। पिंकी दिल भर को उठाया गले से यूं लगाया दिल भर को उठाया गले से। हाय क्या जोड़ी है, अल्लाह खैर करे दोनों को नजर ना लगे। चांद से दो दो बच्चे हो हर साल। एक मिनट एक मिनट ये लो। हाँ बच्चे हो धड़ाधड़ बच्चे। तुमने तो इन्हें झट से पैसे निकाल के दे दिए। जी हाँ,
अगर मैं झट से पैसे ना देती तो मेरे बच्चे पैदा होते ही चले जाते, होते ही चले जाते और होते ही चले जाते, ठीक है ना? भैया, भैया, अपना ख्याल रखना। माँ मेरे बिना पहली बार अकेली रहेगी, उसका ख्याल रखना। माँ से झगड़ा मत करना। ए पगली, तू रो क्यों रही है? ये थोड़े ही दिनों में तो तू डॉक्टर बनके लौट आएगी और फिर हम सब हमेशा साथ रहेंगे। देख, तू इसी तरह रोती रहेगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। भैया, वादा करो कि रक्षाबंधन के दिन तुम राखी बंधवाने जरूर आओगे। ये भी कोई कहने की बात है? मैं वादा करता हूँ, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। अब तो जल्दी से मुस्करा। जा। जय श्री कृष्ण। माँ आ गया बेटे? हाँ माँ। माँ मैं तेरे लिए बंबई से एक साड़ी लाया हूँ, तू देखेगी तो खुश हो जाएगी। देख लूंगी, देख लूंगी। जल्दी क्या है, पहले बता आशा कैसी है। ठीक है। वो कॉलेज में भर्ती हो गई? हाँ। रहने का इंतजाम हो गया? हाँ माँ। वो किसके साथ रहती है? उसे खाने पीने की तो कोई तकलीफ नहीं है ना? उफ़ो माँ, आशा को वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। और फिर मेरा दोस्त टोनी भी तो वहाँ है। टोनी? हाँ माँ, अपने प्रेमचंद जी का बेटा त्रिलोकचंद, उसने अपना नाम टोनी रख लिया है। अच्छा अच्छा, कई साल पहले शहर भाग गया था वो? हाँ माँ, वो वहाँ बहुत मजे में टैक्सी चलाता है और आशा की खैर खबर लेता रहेगा। सुन 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 ओ मछली वाली, प्यार के ताले की तू है ताली। सुन 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 ओ मछली वाली, प्यार के ताले की तू है ताली। ओ भूखी मवाली, इतना न परवर न दूंगी गाली। सुन 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 अरे जा जा जा। बटाटा अचार है तू, बंबई की अखी बहार है तू। अरे कांदा बटाटा अचार है तू, बंबई की अखी बहार है तू। गंदे गटर का बुखार है तू। अरे मान 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 ओ दांधे वाली, तुझको बनाऊंगा घर वाली। मान 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 ओ दांधे वाली, तुझको बनाऊंगा घर वाली। अरे अखा नहला है ना। चौपाटी घुमाऊं तुझे, बंबई की शहर कराऊं तुझे। पर जेबे है तेरी खाली खाली, मैं न पटाए में आने वाली। पर जेबे है तेरी खाली खाली, मैं न पटाए में आने वाली। अरे सुन 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 अरे जा जा जा।
ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, तुझको मैं बदनाम कर जाऊंगा। अरे तू ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, तुझको मैं बदनाम कर जाऊंगा। तो बता दे ओ नखरे वाली, अब तो नहीं देगी तू गाली। ये तो बता दे ओ नखरे वाली, अब तो नहीं देगी तू गाली। नहीं दूंगी मेरे प्यारे टॉनी। आली ना लाइना वर्दी तोला फिर दे ताली, तोला फिर दे ताली। अरे हाँ दे ताली, दे ताली। अरे आली रे आली तुझी आई आली, आली रे आली रे तुमची आई, पूरे चलाओ शक्कू भाई। आली रे आली रे तुमची आई, पूरे चलाओ शक्कू भाई। आली रे आली रे तुमची आई, अरे लो पर चलाओ शक्कू भाई। अरे आली रे आली रे तुमची आई, अरे लो पर चलाओ शक्कू भाई। हेलो पिंकी, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सुना है कि तुम कैसीनो छोड़ना चाहती हो? छोड़ना चाहती नहीं, छोड़ चुकी हूँ। अब्बास भाईजान के कर्जे की मैंने एक एक पाई चुका दी है। मुझे घर के कागजात वापस चाहिए। बेशक बेशक, जब कर्जा चुका दिया है तो कागजात रखकर क्या करूँगा। ऐसा करो, मैं जॉर्जी को फोन किए देता हूँ, तुम कल जाकर उससे कागजात ले लो। थैंक यू। नहीं बॉस, नहीं नहीं बॉस, पुलिस पुलिस के आ जाने से बॉस मैंने वो माल समुद्र में फेंक दिया था। बॉस मुझे माफ कर दो बॉस। हराम ज़ादे, जानता उस छोटे से बक्से में 15 लाख रुपए का माल था। ले जाओ उस कुत्ते को। अगर घंटे भर के अंदर ये नहीं बताए कि वो बक्सा कहाँ है तो इसे भी उस बक्से की तरह बांध कर समुद्र में फेंक दो। आउट। नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं नहीं बॉस, मुझे माफ कर दो बॉस, मुझे माफ कर दो बॉस, मुझे माफ कर दो बॉस। बॉस मैं बेकसूर हूँ बॉस, बॉस मुझे माफ कर दो बॉस, बॉस प्लीज बॉस। बॉस ज्योति, लीलावती मेडिकल कॉलेज। उसके साथ ये लड़की कौन है? शायद इसकी नई रूममेट है, काफी खूबसूरत है। खूबसूरती के साथ साथ चेहरा बहुत मासूम है, पुलिस आसानी से धोखा खा सकती है, क्या समझे? समझ गया बाप। बॉस मुझे डर लगता है कहीं मेरा भी वही अंजाम ना हो जो रूपा का हुआ। Don't be silly. रूपा पागल थी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना तब से मेरे कारोबार में 4 चांद लग गए। ये सब कुछ मैंने आप ही से तो सीखा है। Really? बिजनेस में सिखाया नहीं, सीखा जाता है मेरी जान। अच्छा वो कैसे, जरा ये भी तो समझा दो, वो किस तरह? उसी तरह जिस तरह हुस्न को देखकर इश्क उसे पाने के रास्ते तलाश करता है। ओह डार्लिंग, डार्लिंग मुझे कुछ और गोलियां दो ना। अब और नहीं, तुम पहले बहुत ज्यादा गोलियां खा चुकी हो। हॉस्टल में सारी रात नींद नहीं आती मुझे, तो क्या सारी रात यूं ही तड़पना होगा? तो फिर हमें क्यों तड़पा रही हो? एक बार अपनी रूममेट से मिलवा दो ना। तुम्हारा मतलब वो आशा से? नहीं बॉस, वो बहुत शरीफ लड़की है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। ओहो डार्लिंग, मैं तो सिर्फ बिजनेस के लिए कह रहा हूँ, ओनली बिजनेस। अच्छा कसम से? कसम से। Yes.
किसी से मिलना चाहती हूँ। वाह वाह क्या बात है, ये आंखें, ये गाल, ये होंठ और ये काफिर जवानी, वाकई किसी भी नौजवान के दिल पर डाका डालने के लिए सामान काफी है। मैं आपसे पूछती हूँ आप हैं कौन? मैं उस खुशनसीब लड़के की बहन हूँ, अरे जिसके दिल का चैन और रातों की नींद चुरा ली है आपने। ओह तो तुम आशा हो? जी हाँ। अच्छा अब ये बताओ क्या पियोगी, ठंडा या गरम? ना ठंडा ना गरम, पहले ये बताओ कि मेरे भैया पर चक्कर कैसे चला लिया? मुझे क्या पता, अपने भैया से पूछो। भैया के भरोसे रहती ना तो अनजान ही रह जाती। ये तो भला हो टोनी भैया का जिन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा एक बात पूछूं, मेरी भाभी बनके कब आ रही हो? मैं तुम्हें बहुत गुस्से में ना तुम बहुत सुंदर लगती हो। सच कहती हूँ मेरे भैया की और तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। प्रकाश मैंने अपनी बहू देख ली है। बहू? कौन है वो? जब शादी पक्की कर दूंगी ना तब तुझे बताऊंगी। कमाल है माँ, तुम मेरी शादी पक्की कर रही हो और मुझे मालूम ही नहीं कि मेरी होने वाली बीवी कौन है। नहीं बताऊंगी, जिस तरह तूने मुझे नहीं बताया कि मेरी होने वाली बहू कौन है। मैं समझा नहीं। ये कौन है? माँ ये लड़की बंबई में रहती है लेकिन इसका दुनिया में कोई नहीं। ओ, देख बेटे जवान लड़की का इस तरह अकेले रहना अच्छा नहीं है, जल्दी से मिला दे, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। माँ तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी, लेकिन ये तो बता ये तस्वीर तूने मेरे पर्स से कैसे निकाली? जिस तरह तेरे मन से तेरी बात निकाली। चल बेटे अब सो जा, रात बहुत हो चुकी और ये दूध पी लेना। छुटे तो खारी यारी मेरी यार से न छूटे, यारी मेरी यार से न छूटे चाहे जग रूठे। अपने क्या बेगाने रूठे पर अपना ना रब रूठे। यारी मेरी यार से न छूटे चाहे जग रूठे। अपने आओ जरा मुस्कुराओ न शर्माओ तुम जाने जाना।
कर दे तू मेरे खाली कासे को भर दे। भीख क्या दूं तुझे ऐस मालिक मेरे, फेंक कासा करम इतना कर दे, फेंक कासा करम इतना कर दे। इश्क छूटे यारी मेरी यार से न छूटे चाहे जग रूठे। मेरा जिंदगी भर न टूटेंगी प्यार की अपनी ये कसमें। प्यार की दौलत रब की रहमत कोई लुटेरा ना लूटे, यारी मेरे यार से न छूटे चाहे जग रूठे। अपने क्या में गाने रूठे पर अपना ना रब रूठे, यारी मेरे यार से न छूटे चाहे जग रूठे, यारी मेरे यार से न छूटे चाहे जग रूठे। प्रकाश प्रकाश बेटे प्रकाश उठ जा। माँ टाइम क्या हुआ है? 8 बजे है। देख प्रकाश आज तू अपनी टोनी को चिट्ठी जरूर लिखना, आशा की खैर खबर मालूम हो जाए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ तू फजूल में फिक्र करती है, वो बिल्कुल ठीक है, देर हो रही है जल्दी से नाश्ता लगा दे। अच्छा बाबा जल्दी बनाती हूँ। हेलो आशा। हेलो। खाना खा लिया? ए क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसकी चिट्ठी पढ़ रही हो? माँ की। भैया को मेरे लिए क्या क्या करना पड़ता है, उधर घर का खर्च और इधर मेरी पढ़ाई का। ज्योति तुम उस दिन पार्ट टाइम जॉब की बात कर रही थी ना? हाँ। मुझे भी ऐसी नौकरी दिला दो। मैं भैया पर और बोझ नहीं बनना चाहती। तुम नौकरी करोगी? हाँ। तो भी ठीक है, मैं कल ही तुम्हें सेठ मोतीलाल से मिला देती हूँ। सच? हाँ। अरे यार डोंट वरी, कम ऑन यार। थैंक यू ज्योति। गुड आफ्टरनून बॉस। गुड आफ्टरनून ज्योति, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सर ये मेरी नई रूममेट है मिस आशा। नमस्ते। हेलो बॉस, वो जो पार्ट टाइम जॉब के लिए मैंने आपको फोन किया था ना, वो ही है ये लड़की। वेरी गुड, गुड सिलेक्शन। आशा तुम इनसे बातें करो, मैं एक जरूरी टेलीफोन करके आती हूँ। ओके कम ऑन सिट डाउन। थैंक यू। बियर जिन कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं मैं ये सब कुछ नहीं लेती। अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभी शौकिया बियर ले लेता हूँ। शराफत खान मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। नहीं नहीं आप ये तकलीफ क्यों कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ जॉब के लिए आई थी। मुझे इस काम के लिए तुम जैसी लड़की की ही तलाश थी, जिसकी आंखों में कशिश हो, आवाज में मिठास हो। जी थैंक यू। अच्छा तो मैं कल से काम पे आ जाऊंगी। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? ये लो तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह 1000 रुपए। एक हजार? मेरे प्यारे भैया यहाँ सब कुशल हैं, तुम सबकी कुशलता भगवान से नेक चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने मेरी होने वाली भाभी के बारे में
कुछ भी नहीं बताया, पर टोनी भैया से मुझे सब कुछ मालूम हो गया। गधा, एक बार मैं उनसे मिली भी थी। वाकई पिंकी भाभी बहुत सुंदर हैं और सुशील भी। मैं तुम्हारी पसंद की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकती। आखिर पसंद किसकी है? अगर तुम पास होते तो मैं तुम्हारा माथा चूम लेती। माँ तुम्हारे पास होगी, उससे कहो कि तुम्हारा माथा चूम ले। माँ! क्या है? आशा की चिट्ठी आई है माँ। अच्छी तो है ना, क्या लिखा है? उसने लिखा है कि मेरा माथा चूम लो। वहाँ बैठे बैठे भी शरारतें करती है। और क्या लिखा है? और आगे, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर लिया है, जिससे थोड़ा सा बोझ मैं खुद उठा लूंगी। भैया बुरा ना मानना, मैं तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ। हाथ बटाना चाहती है? देखा माँ, अभी से उसने पर निकालना शुरू कर दिया। वो क्या समझती, क्या मैं निकम्मा हूँ जो अपना खुद का खर्च उठाएगी? क्या मैं मर गया हूँ? अरे नाराज क्यों होता है, आगे तो पढ़। नहीं माँ, खुद पढ़ लो। चरस, एलएसडी, इसका मतलब है इस काम में ज्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, और गुनाह के रास्ते भी खुलते जाते हैं। गुनाह के रास्ते? तुझे नहीं मालूम कि तू अनजाने में ऐसी राह पर चल पड़ी है जहां से लौटना बहुत मुश्किल होता है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? इससे पहले कि तेरा दामन दाग दाग हो जाए, तू वापस लौटा। क्या तू भूल गई कि तेरे भाई ने कितने अरमानों से तुझे डॉक्टर बनाने के लिए यहां भेजा है? क्या तू चाहती है कि लालच का तूफान तेरे भाई के अरमानों के महल को गिरा दे? क्या जवाब देगी अपने भाई को? क्या जवाब देगी समाज को? क्या मुंह लेके जाएगी अपनी माँ के पास? वापस लौटा, अब भी वक्त है। मैं कहती हूँ वापस लौटा, वापस लौटा। मैं उसके पैसे वापस लौटा दूंगी, मैं सेठ मोतीलाल के पैसे वापस लौटा दूंगी। सेठ जी, आओ आओ आशा, आओ। कैसे आना हुआ? मैं आपसे मिलने आई हूँ आखिरी बार। क्या बात, बहुत परेशान नजर आ रही है, आओ बैठो। मैं आपकी ऐशगाह में बैठने नहीं, लालच के इस जहर को फेंकने आई हूँ, जिसके जरिए आप ज्योति जैसी लड़की को कैद कर लेते हैं। ये लीजिए अपने रुपए। जिस दिन तुमने पहली बार मेरी दहलीज पर कदम रखा था, शायद तो तुम उसी दिन हो गई थी। यकीन न हो तो कोशिश करके देखो। कोई क्या नहीं कर सकता। तुझे जीना कौन करेगा? से इंजेक्शन देना शुरू कर दो। आजा, आजा। चलो, रखो, जल्दी कर।
बैटरी तो डाउन है यार। लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर कहाँ है? अरे मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, स्क्रू ड्राइवर नहीं हूँ। तेरी समझ में क्यों नहीं आता मैं तेरे भेजे का ढीला स्क्रू कैसे टाइट करूँ? देखो मेरे भेजे का, मेरे दिल का सारे स्क्रू टाइट है, मगर यहाँ बहुत बड़ी फाइट है। फाइट है? कौन है वो फाइटर? अच्छे अच्छे फाइटरों को मैंने डाउन कर दिया है। अरे उसका गियर बॉक्स तोड़ के रख दूंगा। वो तेरा सर तोड़ देगा। कौन है वो? मेरे बाप को देखा है? हाँ देखा है। उसके हाथ में जो कोयता है उसको देखा है? हाँ, देखा है। शार्क मच्छी का पेट पीछे कर देता है। अरे उसके कोयते को जंग लग चुका है, कुटल है वो कोयता, भूल जा उसको, मेरे पास आ जा। बिना शादी के सर्टिफिकेट के, बिना टिकट के, बिना पास के पास आ। अरे बर्निंग ट्रेन है, चेन मत खींच। तू मुझे इतना मत खींच। आ जा, आ जा। देख मेरे कोयते, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं समुन्द्र में कूद के अपनी जान दे दूंगी। कोई बात नहीं, मुझे तैरना आता है, बचा लूंगा। हाँ। बचा लेगा ना? हाँ, हाँ, हाँ। मेरी दुनी। मेरी शक्कू। ए, क्या करता है? वो ही करता है जो सब करता है। अभी वर्दी बना करता तो वर्दी उतार देगा। आई मीन के तुम कौन है? हम पुलिस वाला है। तुम्हारा वर्दी किधर है? हमारा वर्दी? हम नकली वर्दी में स्मगलर लोगों का तलाश करता है। इस स्मगलरों की तलाश है तो समंदर में जाओ। हमारे दिल के मंदिर में क्यों आए हो? हमारी घंटी क्यों बजाते हो? जाओ ना। देखो तुम हमारे साथ चलो, अगर तुम हमारे साथ नहीं चले ना तो हम तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देगा। क्यों कैंसिल कर देंगे? इसलिए कि तुम इधर प्यार प्यार कर रहे हो, उधर एक औरत टैक्सी टैक्सी कर रही है, उसका बच्चा होने वाला है। होने दो, बच्चा होने वाला है। अरे चक्कू, कभी तेरे को भी बच्चा होएगा। अरे शादी होएगी तो बच्चा होएगा ना। चलो उस औरत की मदद करते, उसको अस्पताल ले चले। अरे हाँ, नहीं तो बच्चा यही हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अरे चलो जल्दी चलो चलो। अरे ये सिगरेट पीने वाली, इसको बच्चा होने वाला है। अरे बच्चू हमको बच्चा बनाते हो? अरे सिगरेट वाली बन गई पिस्तौल वाली। अरे मिल गई मवाली। अरे भाई चलो चलो बेटा अंदर, चलो अंदर। नहीं चलो अंदर। अरे चलो अंदर तो बना देंगे बंदर। बंदर? अरे कहाँ गए समंदर? समंदर वो बंदर। अरे बंदर चाबी निकालो। नहीं निकालता। अरे निकालो नहीं तो ये लोग तुम्हारी जान निकालेंगे मेरे कोयते। मेरी चक्कू चाबी, ये लो चाबी, छोटी वाली है। हाँ मालूम है। और क्या क्या निकालूं? अब तुम दोनों निकलो। अरे जंगल का मामला है, लिफ्ट प्लीज। चला बाहर, चलो चलो। क्या चक्कू? अरे गई गाड़ी। अरे मेरी हीर गई। अरे साहब मेरी हीर खो गई है। ये तो मैंने सब सुन लिया कि टोनी डांडा पर समुद्र के किनारे शकुंतला का इंतजार कर रहा था। बरोबर? नहीं बरोबर साहब, ये खोटे बोलता है, ये मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। अरे तो क्या मैं तेरे बाप के लिए मीटर डाउन केला था? देख तू बार बार मेरे बाप पे जाएगा ना तो मैं तेरा टायर पंचर कर दूंगी। मैं तेरा साइलेंसर बंद कर दूंगा। टोनी बिहेव योरसेल्फ, ये पुलिस स्टेशन है, मच्छी बाजार नहीं। ये पुलिस स्टेशन है, मच्छी बाजार नहीं है, फुट इधर से। साहब वो जो मेरा टैक्सी है ना, सुनो सुनो, दो मर्द और एक औरत शकुंतला के नाम से। फिर मेरा नाम? अरे चुप करना। टैक्सी में बैठ गए। बरोबर है। और अपना सामान रख दिया। बरोबर है। टोनी को शक है कि उसमें स्मगलिंग का सामान था। बरोबर है। उन तीनों ने टोनी को पिस्तौल दिखाया। बरोबर है, बहुत बड़ा पिस्तौल दिखाया साहब। बरोबर है। और एक सुनसान जगह पर टैक्सी से बाहर फेंक दिया। अरे ऐसा फेंका साहब, ऐसा घसरा घसरी, देखो ना देखो ना। क्या नंबर है टैक्सी का? क्या नंबर है टैक्सी का? अरे तुम्हारी टैक्सी का क्या नंबर है? हाँ, MR J 1006 साइन करा। ये नहीं तुम साइन करो। साहब मैं तो अंगूठा छापू ना। हाँ करता जो ना। साहब मेरा पता नोट कर लिया ना? अरे मेरे बाप सब नोट कर लिया, जाओ यहाँ से। बरोबर है। साहब टोनी की टैक्सी मिल जाएगी ना? ओहो तुम लोग जाओ और मेरा भेजा मत खाओ, वरना तुम दोनों को अंदर कर दूंगा। साहब का इंजन गरम हो गया है, कोलन वाटर, गाड़ी गियर में डाल। साड़ी? साड़ी नहीं, गाड़ी गियर में डाल और पतली गली पकड़ के निकल ले। बरोबर है, मजा कोई क्या? साहब नहीं, बरोबर है। जान से प्यारी पिंकी, बहुत बहुत प्यार। सबसे पहले तुमसे माफी मांगता हूं
कि तुम्हारे खत का जवाब जल्दी नहीं दे सका। कुछ काम काज में ऐसा फंसा कि फुर्सत ही नहीं मिली। छूटा कहीं का? तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। जी करता उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। फिर झूठ? पिंकी, एक राज की बात बताऊं? मेरी माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया है। अब वो दिन रात तुम्हें बहू बनाने के सपने देखती रहती है। पिंकी, मेरा एक काम करना, हॉस्टल में आशा से मिलती रहना, उसने भी तुम्हारी बहुत तारीफ लिखी है। मगर मुझे उसका नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम उसे समझाओ, ऐसी बेवकूफी करने की कोई जरूरत नहीं। खत खत्म करने को जी नहीं चाहता, पर मजबूरी है। मैं जल्दी तुमसे आके मिलूंगा। तुम्हारा अपना प्रकाश। मैडम आजकल बहुत परेशान नजर आती है। परेशान क्यों ना होंगी, रूपा का कुछ पता नहीं चला और अब आशा भी गायब हो गई। कुछ भी कहो, मुझे तो ज्योति पर शक है। क्यों? अरे रोज रात को देर से आती थी, पता नहीं कहाँ जाती थी। अरे जानते ना, हमें क्या लेना देना। कमाल है, कैसे नहीं लेना देना होगा? क्या हो रहा है? मैडम, तुम लोग सब यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अपने अपने कमरे में, गो टू योर बेड। एक्सक्यूज मी, यस, क्या बता सकती हैं आशा कहाँ है? लेकिन आप कौन है? मैं उनके रिलेटिव हूँ। देखिए अभी तो वो नहीं है, कहीं बाहर गई है। आपका कोई मैसेज हो तो हम जरूर दे देंगे। नहीं नहीं, कोई खास मैसेज नहीं, सिर्फ इतना कहिएगा कि कार्टर रोड से पिंकी आई थी। हाँ। मैं उन्हें फोन कर लूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। मुझे एक इंजेक्शन दे दो प्लीज रोजी। रोजी प्लीज, इंजेक्शन? कल तक तुम जिसे जहर समझती थी, आज वो तुम्हारी दवा बन गई है। प्लीज रोजी प्लीज। नाउ लिसन, ये चरस और एलएसडी के पैकेट्स मिसेस छाया मल्होत्रा तक पहुंचा दो। गोलियां भी मिल जाएंगी और इंजेक्शंस भी। क्यों रोजे? यस। लो, ले लो। लेट्स प्ले। यस मैडम। आज भी आशा नहीं आई? नो मैडम। ओ गॉड, दो दिन से लड़के गायब है। अब तो जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अच्छा तुम पढ़ो। ओके मैडम। ओके। अच्छा तुम पढ़ो। टेलीग्राम। धन्यवाद। माय गॉड, देखिए किसका तार है। अपने टोनी का है माँ। क्या लिखा है? जी वो मगर तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कुछ नहीं माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गैरेज के लिए जगह इतनी जल्दी मिल जाएगी। जगह मिल गई? हाँ माँ, वो भी बहुत सस्ते दाम में। टोनी ने मुझे फौरन बुलाया है, मैं कल सुबह की गाड़ी से जाऊंगा। ऐसे भी क्या आफत है, दो तीन दिन के बाद चले जाना। मैंने आशा के लिए एक लड़का देखा है, मैं चाहती हूँ तू भी उसे देखिए। माँ ऐसी भी क्या जल्दी है, लड़का कहीं भागा तो नहीं जा रहा? मैं उसे बाद में आके देख लूंगा।
क्योंकि बंबई में एक बार कोई चीज हाथ से निकल जाए तो उसे दोबारा पाना बहुत मुश्किल है। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। ये लो। अच्छा भाई, मिस्टर प्रकाश, मैं खुद हैरान हूं। आशा जैसी लड़की 3 दिन तक हॉस्टल से गायब रहे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। वो 3 दिन से हॉस्टल से गायब है और आपने अभी तक कुछ नहीं किया? ये आप कैसे कह सकते हैं? हमने आपको टेलीग्राम दिया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, इससे ज्यादा कॉलेज अथॉरिटी और क्या कर सकती है? क्या मैं आशा का रूम देख सकता हूँ? व्हाई नॉट, आइए आइए मेरे साथ। ये है आशा का कमरा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। यह आशा की रूममेट ज्योति। ज्योति, यह आशा के भाई है मिस्टर प्रकाश। नमस्ते। देखिए, क्या आप बता सकती हैं कि आशा पार्ट टाइम जॉब कहाँ करती थी? व्हाट, पार्ट टाइम जॉब? इम्पॉसिबल। हॉस्टल में रह के कोई भी लड़की पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। ज्योति जी, अगर आप मेरी बहन के बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दीजिए। आप भी तो किसी की बहन होंगी। आपके घर वालों ने भी बड़े अरमानों के साथ आपको पढ़ने के लिए यहां भेजा होगा और अचानक आप गायब हो जाएं, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? प्रकाश, मैं भाई के दिल के दर्द को जानती हूं। बेहतर होगा आप इंस्पेक्टर राणा को कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू जी। ओ गॉड, हेल्प दिस बॉय। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे आशा को वापस लाना होगा। आशा, 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 ये क्या हालत बना रखी है तुमने? कुछ बोलो ना आशा, कुछ बोलो ना मेरी बहन। कौन हो तुम? मुझे भी नहीं पहचानती। मैं तुम्हारी रूममेट हूँ, ज्योति। ज्योति? ज्योति? हाँ। ज्योति तो कब की बुझ गई। ये तुम आज कैसी बातें कर रही हो? उठो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। जानती हो, तुम्हारे भैया प्रकाश आए हैं। प्रकाश? प्रकाश भैया आए हैं? हाँ, वो बहुत परेशान है, 2 दिन से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो ना मेरी बहन, चलो। ज्योति, आयशा मर चुकी है। नहीं, तुमने आने में बहुत देर कर दी ज्योति। मेरा सब कुछ लूट चुका है, मैं बर्बाद हो गई। मैं अपने भैया को कैसे मुंह दिखाऊंगी? अपने भैया को कैसे मुंह दिखाऊंगी? नहीं, समझ गया। तो वो शैतान तुम्हारी जिंदगी से भी खेल खेल गया। आशा, इस बार ये खेल उसे बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। ज्योति, मेरे भैया को कुछ मत बताना, कुछ मत बताना। क्या बात है, तुम कुछ घबराए से हो? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ जी की तबीयत कैसी है? अभी तक तो अच्छी है, लेकिन उन्हें जब आशा के बारे में पता चलेगा तुम पे क्या बीतेगी मैं नहीं जानता। आशा, क्या हुआ आशा को? आशा कई दिनों से हॉस्टल से गायब है। वो कहाँ है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं। आशा से मिलने की मैंने पिछले दिनों
बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे मिली नहीं। मिलती भी कैसे, उसे चरस और एलएसडी की आदत छुटक गई है। ये तुमसे किसने कहा? कॉलेज के लड़के लड़कियों ने, उनकी बातों से पता चला कि कोई आदमी है जो बाकायदा रैकेट चला रहा है जिसमें मासूम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। तुमको आशा के रूममेट ने और कुछ नहीं बताया? नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो सब कुछ जानती है। मुझे उसकी जुबान खुलवानी पड़ेगी। यू रास्कल, तुमने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी। जलील कमीने कुत्ते। मैं तुम लोगों की असलियत जान गई हूँ। तुम लोग इंसान के रूप में भेड़िए हो। मैं तुम्हारे चेहरे पर पड़े हुए शराफत के नकाब को तार तार कर दूंगी और नंगा कर दूंगी दुनिया के सामने। मैं अभी पुलिस में जाकर सब कुछ बताती हूँ, तुम्हारा सारा भंडा फोड़ दूंगी। दर्जी, यस सर। ज्योति पागल हो गई है, इसका इलाज कर दो। मिस्टर प्रकाश, सिर्फ आपकी बहन ही नहीं बल्कि सारा शहर इस बीमारी की लपेट में आया हुआ है। हर घर में हाहाकार मची हुई है। तो क्या पुलिस को इस बात का पता नहीं कि चरस कहां से आती है? नशे की गोलियां लड़के लड़कियों तक तो कौन पहुंचाता है? अगर इस बात का पता चल जाता तो मुजरिम हवालात में बंद ना होता, हम उसे आजाद छोड़ देते। मगर आशा जा कहां सकती है? उसे हॉस्टल से गायब हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है। मैं अब किस तरह आपको समझाऊं? एलएसडी खाने वालों को अपने तन बदन का होश नहीं रहता, वो एक ही जगह पड़े रहते हैं। नशा टूटने के बाद उन्हें फिर गोलियों की तलब उठती है और वो घर लौटने के काबिल नहीं रहते। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी बहन चाहिए, और अगर आपका कानून मेरी बहन को तलाश नहीं कर सकता तो उसे मैं तलाश करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे आपके कानून को तोड़ना पड़े। होश की बात कीजिए मिस्टर, आपको मालूम है कानून तोड़ना जुर्म है, आपको जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। आप मुझे सजा दे सकते हैं मगर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो भोली लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। मैं कम इन। हेलो इंस्पेक्टर आने। आइए सेठ मोतीलाल जी। क्या बात है भाई, बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है। नहीं, यूं ही जरा, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं तो तुम्हें दावत देने के लिए आया था। बैठिए ना। नो थैंक यू, मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे हाँ, रास्ते में मुझे एक कम सी लड़की मिल गई थी, ड्रग एडिक्ट मालूम होती है। ड्रग एडिक्ट? कहाँ वो? मैंने अभी भी उसे अस्पताल छोड़ा है। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हम इस पेशेंट को नहीं बचा सके, लगता है किसी ने इसको जहर का इंजेक्शन दे दिया है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो ज्योति है, आशा की रूममेट, मैं तो इसे अभी 2 दिन पहले मिला था। आई सी, लगता है ये लड़की लीलावती मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। मुझे ऐसा लगता है इंस्पेक्टर साहब, आशा के गायब होने और ज्योति की मौत में एक गहरा ताल्लुक है। हेलो सर जी, मैं पिंकी बोल रही हूँ। हाँ पिंकी, बोलो। आपका कर्ज अदा किए इतने दिन हो गए लेकिन मेरे घर के कागजात अभी तक नहीं मिले, आपका इरादा क्या है? क्या, तुम्हें कागजात अभी तक नहीं मिले? मैंने तो जॉर्जी को पहले से इंस्ट्रक्शन दे दी थी। लेकिन मुझे तो जॉर्जी मिला ही नहीं, जब भी उसके घर गई पता चला वो घर पर ही नहीं है। Oh, I'm sorry, Pinky darling. मैं भी जॉर्जी को टेलीफोन करता हूँ, आज तुम्हें कागजात मिल जाएंगे। देखो मैं गोली मार दूंगी, आगे मत बढ़ना। देखो आगे मत बढ़ो, मैं ठीक है, तुमने से गोली मार दी? नहीं, वो मेरी इज्जत लूटना चाह रहा था। मैं और तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बेचारे का खून कर दिया। देखो बेटी, घबराओ नहीं,
ये राज हमेशा के लिए राज रह सकता है अगर हमारे कसीनो में तुम्हारी आवाज गूंजती रहे। मंजूर? मेरी
प्रकाश। मियां अब्बास भाई वतन परस्त, एक सच्चे देश प्रेमी। इनकी बहन कसीनो में गाना नहीं गाएगी। मुझे पुलिस की धमकी दे रहा था, देख लिया मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम। आज तू कानून और दुनिया की नजर में मर चुका है। वैसे आज तुम्हारी बरसी भी तो है, तुम्हारी चहेती बहन आज तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाने गई है। बेवकूफ, किसी बेगुनाह को अपने ट्रक के नीचे कुचलवा कर उसे मेरे कपड़े पहनवा कर दुनिया के कानून को तो धोखा दे दिया तूने, मगर उसके कानून को कैसे धोखा देगा? जब परवरदिगार का कहर नाजिल होगा तो जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा और मौत के अंधेरे में भटक जाएगा तू। मौत? हाँ, मौत तो तुम्हें एक सेकंड में दे सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं शतरंज के कुछ मोहरे बचाकर रखना चाहता हूं। पता नहीं कब किस चाल में काम आ जाए। तुम्हारी बहन भी तो शतरंज का एक मोहरा है। मेरी बहन गायब हो, गायब हो। जब तक तुम डॉक्टर शर्मा के अमेरिका वाले दोस्त का नाम नहीं बता देते, तब तक ना ही तुम रिहा हो सकते हो और ना ही तुम पिंकी से मिल सकते हो, समझे? हेलो, सेठ जी आ गए। खड़ी हो जाओ कुड़ियों, खड़ी हो जाओ। साडे सेठ जी बड़े दिलदार आदमी है ने। सेठ जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ना करतार सिंह है। ऐ सारी कुड़ियां तुम्हारी दासियां हैगी सेठ जी। दासी? अहो। क्या मतलब? मतलब जी तुम्हारे चरणों में पड़ी रहकर इज्जत दी रोटियां खाना चाहती है सेठ जी। तुम कहना क्या चाहते हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। पापा जी, पापा जी, पापा जी, मैं भी आपकी तरह समाज सेवक हूँ। बस तुसी वड्डे हो, मैं छोटा हूँ। मैं इन कुड़ियों की शादियां करांदा हूँ। इंग्लिश विच मैनू मैच मेकर कहंदे ने। लेकिन सदा जी, यहाँ क्या मैच करने आए हो? कुड़ियों सैंपल वखा दो। पापा जी, पापा जी, पापा जी, मेरी नाम था बीएपीटी दिलजीत कौर, एमएस आयशा नूरानी बीएससी। ओहो, सरदार करतार सिंह, इनकी डिग्री मुझे क्यों बता रहे हो? हीरे जौहरी के पास नहीं जाएंगे तो होर किथे जाएंगे पापा जी? मैं जिस घर में इनका रिश्ता ले जाता हूँ, मुंडे कहंदे ने हम इनकी डिग्रियों को क्या शोकेस विच रखेंगे, हमें तो कमाओ बीवियां चाहिए। सेठ जी, तुहाडे दरवाजे तो कोई खाली हाथ नहीं जांदा। इन बदनसीब कुड़ियां दी किस्मत खोल दीजिए, इन्हां नूं किसी नौकरी ते लगा दीजिए ताकि ए अपने पैरां ते खड़ी हो जाए। ओहो सरदार जी, लेकिन मेरे पास ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं दे सकता हूं? सेठ जी, तुहाडा ते वड्डा फैला हुआ कारोबार है। दिल्ली विच किंग होटल है, क्लब है, इत्थे कैसीनो है। सरदार करतार सिंह जी, आप ऐसा कीजिए, इनको कल मेरे दफ्तर भेज दीजिए। ओ ऐ गलवीना पापा जी, किसे जा रहे हो? ओए कुड़ियो, खड़ी हो जाओ, तुम्हारी किस्मत खुल गई, पापा जी ने तुहानू। ओहो बादशाह, तुहानू तो मर जाना चाहिए था, वो भी गोली से। ओहो हुणे ही देखना। आहा, हुण तुसी नहीं मरोगे, तुहाडे हाथ से मौत दी लेखा मिट गई है। ओहो चलो कुड़ियो, जल्दी चलो, चलो चलो। ओ, साड़ा ते काम बन गया पापा जी। सत श्री अकाल सरदार करतार सिंह जी। आहो जी, ये मेरा कार्ड है, कल जरा मेरे ऑफिस में मिलोगे? जो हुक्म मालिक, जो हुक्म। सत श्री अकाल। जानते हो कौन था? कौन था? था नहीं, थी तुम्हारी अम्मा पिंकी। कहाँ गए हो? चलो घर देखते हैं, चलो। क्या बात है पिंकी?
तुमने अपना ये हुलिया क्या बना रखा है? मुझे मोतीलाल पर शक था, इसलिए मैं भेस बदल के वहां गई। वहां कुछ पता लगा? मुझे तो वहां की दुनिया ही अजीब लगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं अपने आप को जिस आदमी का कातिल समझ रही थी वो जिंदा है प्रकाश। क्या? हाँ, इसलिए मैंने कसीनो में दोबारा गाना शुरू किया। मुझे यहाँ एक लड़की भी नजर आई जो मुझे ड्रग एडिक्ट लगती थी, और जब मैं वहां से भागी तो मोतीलाल के आदमी मेरा पीछा करने लगे। मोतीलाल? पिंकी, ये वही आदमी है जो एक दिन पुलिस थाने में खबर लिखाने आया था कि उसे रास्ते में एक ड्रग एडिक्ट लड़की मिली। जानती हो लड़की कौन थी? आशा की रूममेट ज्योति। और जब मैं उसे मिलने अस्पताल गया तो वो मर चुकी थी। अब मुझे मोतीलाल से मिलना ही होगा। किससे मिलना है आपको? सेठ मोतीलाल जी हैं। मोतीलाल जी? वो तो बाहर गए हैं, अमेरिका। अमेरिका? जी हाँ। रोधी, आशा और ज्योति को लेकर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ऐसा करो, तुम हॉस्टल जाओ और आशा के सामान की तलाशी लो। कोई क्लू नहीं छूटना चाहिए। यस बॉस। जॉर्ज जी? यस बॉस। ये लड़का यहां तक पहुंच गया, इसे ऐसी जगह पहुंचा दो जहां से ये फिर कभी वापस ना आ सके। साले अंधों की तरह गाड़ी चलाते हैं। भाई साहब, आपको तो संभल के चलना चाहिए। मैं अंधा हूं। ओ, आपको कहां जाना है? पास में एक बगीचा है, वहां तक पहुंचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए मेरे साथ। क्या तुम अंधे नहीं हो? ये क्या कर रहे हो? टीम बुला रहा हूं। टीम? यमराज की। से क्या दुश्मनी हो सकती है?
बिकॉज मैं हॉस्टल गई थी, मैंने आशा की सारी चीजें गायब कर दी। मगर मगर क्या? मगर आशा की एक डायरी वार्डन के हाथ लगी, जो वो पुलिस को देना चाहती है। अगर वो डायरी पुलिस को मिल गई तो हम सब शराब। ओ गॉड, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हेलो हेलो, मिसेस फर्नांडिस। कौन? मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रकाश, मैं बड़ी देर से इंस्पेक्टर राणे को फोन कर रही हूँ, अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया। पुलिस को? प्रकाश, मुझे आशा के किताबों में एक डायरी मिली है। डायरी? क्या लिखा है उसमें? मैं तुम्हें टेलीफोन पर नहीं बता सकती, तुम जल्दी से इधर आ जाओ। मिसेस फर्नांडिस, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, कम सुन। कौन है तुम? ये डायरी कहाँ है? कौन सी डायरी? मेरे पास कोई डायरी नहीं है। बुढ़िया, वक्त से पहले मौत को क्यों दावत दे रही है? अगर तू कुछ दिन और जीना चाहती है तो वो डायरी मेरे हवाले कर दे, जो तू पुलिस को देना चाह रही थी। मैं समझ गई, तू वही बदमाश है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तूने? हाँ। तू यहीं रुक। हाँ। मैं डायरी लेके अभी आता हूँ। अच्छा। मैडम दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए मैडम, दरवाजा खोलिए मैडम प्लीज, खोलिए। क्या हुआ? हमने मैडम की बहुत जोर से चीख सुनी लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही हैं। आप लोग हटिए। चलिए। क्या हुआ? चलो चलो चलो। डायरी मिल गई? डायरी तो मिल गई मगर इसके पन्ने फटे हुए हैं। और टोनी, ताज्जुब की बात तो यह है कि मिसेस फर्नांडिस का कत्ल हो गया है। क्या? समझ में नहीं आता कौन जालिम यह रैकेट चला रहा है, जो आशा के मिलने का सबूत कदम कदम पर मिटाता चला जा रहा है। हरामजादों, नहीं पकड़ सके। उस दिन वो लौंडिया फेस बदल कर डैन में घुस गई और तुम में से कोई नहीं पहचान सका। आज वो कुत्ता अपनी बहन की तलाश में दरवाजे तक आ पहुंचा, कल वो पुलिस को लेकर अंदर भी घुस सकता है। मैं उस दो कौड़ी की लौंडिया के लिए अपना करोड़ों रुपया दांव पर नहीं लगा सकता, समझे? जॉर्जी। यस बॉस। उसकी बहन को वापस उसके पास पहुंचा दो। गए एक पल में
चाहा था, अब क्या किसी से कहना, क्या सोचा था, क्या चाहा था, अब क्या किसी से कहना, दिल करता है इस दुनिया को आग लगा दो बहना, ओ मेरे प्यारे बहना, वो तक सजे सपने और टूट गए पल में। बिलख कर सुन के तेरी कहानी, रोएगी माँ बिलख बिलख कर सुन के तेरी कहानी, मुझको तड़पाएगी बहना याद तेरी पुरानी, याद तेरी पुरानी, मुद्दत सजे सपने और टूट गए पल में, अरमानों की एक बस्ती बह गई गंगा जल में, मुद्दत सजे सपने और टूट गए पल में, अरमान प्रकाश, घर चलो, माँ आई है। माँ? क्या मुंह लेकर जाऊंगा माँ के सामने, क्या जवाब दूंगा उसे? प्रकाश समझते क्यों नहीं हो, होनी को कौन टाल सकता है, चलो आओ। सभी से काम लीजिए माँ जी, होनी को कौन टाल सकता है, अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगी तो आपके बेटे का क्या होगा माँ जी? माँ जी, प्रकाश आया है। मेरी दुनिया में अंधेरा करके अब प्रकाश आया है। प्रकाश बेटी, मेरी बेटी मुझे दे दे, मेरी आशा मुझे लौटा दे, मैं उसे अपने साथ काशीपुर ले जाऊंगी, उसका ब्याह रचाऊंगी, आंगन में शहनाइयां बजेंगी, मैं उसे विदा करूंगी। बेटे बेटे, बहन को डोली में नहीं बिठाएगा, बोल बेटे, बोल बोल, बोलता क्यों नहीं? माँ, किस्मत की लकीरों को मैं नहीं बदल सका, मैं निर्दोष हूं, मेरा कोई कसूर नहीं। तेरा कसूर नहीं है तो क्या मेरा कसूर है? ले आया उसे शहर, डॉक्टर बना लिया, सच कर लिया अपने सपने। नहीं प्रकाश, नहीं, मैं अपने गुड़िया जैसे बेटे के बिना नहीं जिंदा रह सकती। प्रकाश मुझे मेरी बेटी दे दे, प्रकाश मुझे मेरी बेटी दे दे। प्रकाश माँ, माँ जी आंखें खोलिए, माँ जी, माँ जी, माँ जी। घुंघरू बांधे जब ते मैंने घुंघरू
मेरी मासूम बहन की जिंदगी लेकर तू यहाँ रंगरलिया मना रहा है। लगता है तेरी बहन की मौत ने तुझे पागल कर दिया है, इसलिए शायद तू खुद मौत के मुंह में चला आया है। जॉर्जी, बिंजू, युद्धू। अब बोल हरामजादे। इसे इसकी बहन के पास पहुंचा दो। हेलो, कौन? कुत्ता है। तूने मेरी आवाज नहीं पहचानी? मैं प्रकाश बोल रहा हूं। तुम प्रकाश? मोतीलाल, कातिल कितना ही होशियार क्यों ना हो, वो अपना कोई ना कोई निशान हमेशा पीछे छोड़ जाता है। मुझे तुम्हारा नंबर उसी डायरी से मिला जिसके पन्नों के लिए तुमने मिसेस फर्नांडिस का खून किया था। क्या बकवास करते हो? बकवास नहीं कर रहा हूं मोतीलाल सेठ, तेरी मौत का पैगाम बन के आ रहा हूं। आने से पहले ये तो बता दो कि तुम्हारी माँ को क्या पैगाम दूं? माँ? मेरी माँ को तू कैसे जानता है? प्रकाश, अभी बच्चे हो। कातिल जब भूल से कोई निशान छोड़ देता है ना, तो उसे मिटाने का इंतजाम भी कर देता है। हाँ, तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, यकीन नहीं आता? हाँ? तो लो, उसकी आवाज सुनो। लो। कौन हो तू? मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे, माँ, छोड़ दो ना। नहीं। कहाँ लेके जा रहे? मोतीलाल, कान खोल के सुन ले, मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन अगर तूने मेरी माँ को छुआ तक भी, तो मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। बड़ा दुख हो रहा है ना? माँ से बहुत प्यार करते हो, बहन के बाद अपनी माँ को खोना नहीं चाहते। तो एक काम करो बरखुरदार, रामनगर के पीछे जो गोडाउन है ना, वहां चले आओ, तुम्हारी माँ तुम्हें मिल जाएगी। ओके, बाय। कौन? चल बुढ़िया, तुझे तेरे बेटे से मिलाता हूं। आ, आ ना। परवरदिगार आलम, जब जब तेरे नेक बंदों पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं, तेरी रहमत ने जोश मारा है और तूने उनको निजात दिलाई है। यूसुफ को तूने अंधे कुएं से निकाला, नूह को तूने तूफान से बचाया, यूनुस को तूने मछली के पेट से निकाला, आज उसी तरह इस बंदे आसी को जिंदा से निजात दिला। दिखा दे इस दुनिया को, दिखा दे इस दुनिया को तेरी रहमत की नूर की एक किरण जुल्मत के अंधेरे को पाश पाश कर सकती है। मुझे जिंदा से निजात दिला दे परवरदिगार आलम। अरे, ये मुझे कहाँ ले आए? मेरा बेटा कहाँ है? सुनो, ले जाओ इस बुढ़िया को और बांधो। अरे, अरे, ले जाओ। अरे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सुनो, प्रकाश, बेटे। इस बुढ़िया का बेटा भी आने वाला होगा, जैसे ही वो यहाँ पहुंचे उसे भी बांध दो, पूरे खानदान को खत्म करके रहूंगा। ओहो, आप आ गए? हाँ मोतीलाल, मैं तुझे तेरी कब्र तक पहुंचाने आया हूं। बता मेरी माँ कहाँ है? ओहो, आपको अपनी माँ से मिलना है। रॉबर्ट। यस बॉस। साहब को जरा इनकी माँ से तो मिलवा दो। ओके बॉस। मोतीलाल,
मेरी माँ को छोड़ दो। अपने सब साथियों से कहो कि अपने हथियार डाल दे, वरना मैं तेरी खोपड़ी में इतने सुराख कर दूंगा कि तेरी शक्ल भी पहचान नहीं जाएगी। ठहरो, माँ को छुड़ाने से पहले अपने छम्मक छल्लू को देख लो। पिंकी, नहीं प्रकाश, पिस्तौल मत फेंकना, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं कहती हूँ रिवॉल्वर फेंक दो, वरना इसकी खूबसूरत गर्दन में छेद कर दूंगी। मैडम लोधी, आई एम प्राउड ऑफ यू, लटका दो चम्मक को भी। अब मैं तुम तीनों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। सबसे पहले अपनी माँ को देख। माँ, अब अपनी माशूका का भी हश्र देख ले। और आखिर में तू अपनी माँ और माशूका के साथ चला जा। वाह भाईजान, क्या रस्सी फेंकी है। याली मदद। मैंने कहा था ना मोतीलाल, जालिम का जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो खुद उसके लिए अजाब बन जाता है। मेरी रिहाई तेरे लिए खुदा का कहर बनकर नाजिल हुई है। ये। आज मैं तुझसे अपनी बहन की मौत का बदला लेकर आऊंगा। हेलो प्रकाश, रुक जाओ, ये मुजरिम है, कानून से सजा देगा। इंस्पेक्टर, आप नहीं जानते, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया। प्रकाश, कानून इससे सब कुछ छीन लेगा जिस पे इसका हक नहीं। छोड़ो से, गिरफ्तार कर लो सबको। भाईजान, पिंकी, कमान चले। अब क्या हुआ? वही हुआ जो होना चाहिए था। ये लाल छड़ी इन दुश्मनों की कड़ी है, इसको ले जाकर इतनी छड़ी मारिए कि इसका गुलदस्ता बना दीजिए। मैं आ रहा हूँ, देखा ना, सब ठीक हो गया ना। अरे रोती ही रहोगी क्या? देखो उधर ममता की मोहब्बत के फूल बरस रहे हैं। आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो। माजी माजी, अब इन दोनों का मिलन भी करवा दो, मिलन भी करवा दो। यारी मेरी यार से न छूटे।